नमस्कार, सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने डीएनए रिपेयर में पिछली क्लास में आपको डीएनए डैमेज और रिपेयर की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ा दिया था। और देन इसके बाद अब हम लोग वन बाय वन सभी तरह के रिपेयर्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट रिपेयर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो पिछला क्लासिफिकेशन था उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि एक सेल की क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं डीएनए को रिपेयर करने की। उसमें से हमने तीन ग्रुप्स बनाए हुए थे बेसिकली, कि एक डैमेज बाईपास हो सकता है, जो डैमेज है उसे बाईपास किया जाए। इसका मतलब ये होगा वो डैमेज बना रहेगा डीएनए में, लेकिन उसे हम जो रेप्लिकेशन कर रहे हैं उसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे और बाद में देखा जाएगा उसको रिपेयर कर पाते हैं या करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा था डैमेज एक्सेशन, जो भी पार्ट है या रिमूवल कहें, जो भी डैमेज रीजन है उसको रिमूव करेंगे और देन उस पार्ट को फिल किया जाएगा। उसमें भी मैंने आपको बेस एक्सेशन, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन और मिसमैच रिपेयर के बारे में बताया। और जो तीसरा पार्ट है वो है डायरेक्ट रिपेयर। जो भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड है या बेस है, ना तो उसे निकाला जाएगा। निकालने का मतलब ये है कि वो यदि हम निकालेंगे नहीं तो वहां पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगाएंगे भी नहीं। जो डैमेज था उसे हम डायरेक्ट हटाएंगे और उस न्यूक्लियोटाइड को या उस बेस को हम रिवर्स करेंगे नॉर्मल बेस में, उसे हम डायरेक्ट रिपेयर बोलेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट रिपेयर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो फेमस तरह के डैमेजेस को रिपेयर करने के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करते हैं डायरेक्ट रिपेयर क्या है। तो एक पॉइंट आप ये समझ लें, जब भी कोई न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेस में कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई केमिकल चेंज आ गया है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये राइबोज सुगर है, राइबोज सुगर ये न्यूक्लियोटाइड जो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका एक पूरा हिस्सा है, और ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये वाला, और ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है। अब इस नाइट्रोजनस बेस में कोई एबनॉर्मलिटी है या न्यूक्लियोटाइड के लेवल पर कोई डैमेज हुआ है, ये एबनॉर्मल हो गया है, ठीक है। जैसे कि कोई भी यहां पर मैं एक्स ग्रुप लगा देता हूं और इसको शो करता हूं कि ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नहीं है। तो डायरेक्ट रिपेयर में क्या करना है, जो ये यक्स है जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी आई है, इस यक्स को रिमूव करना है। यदि हम यक्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, जैसे ही रिमूव करेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड नॉर्मल हो जाएगा। और इस प्रोसेस में हमें कोई भी न्यूक्लियोटाइड को ना तो निकालना पड़ा और ना ही लगाना पड़ा। और हमने जो नाइट्रोजनस बेस था जो एबनॉर्मल हो गया था, उसे हमने नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस में कन्वर्ट कर दिया। अर्थात जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें जिस रीजन पर एबनॉर्मलिटी थी उसे हमने डायरेक्ट रिवर्स कर लिया। इसे हम लोग डायरेक्ट रिवर्सल में भी डिस्कस कर रहे थे। तो आपको बेसिकली एक पॉइंट ध्यान देना है कि डायरेक्ट रिपेयर में किसी भी न्यूक्लियोटाइड को निकालना नहीं है। यदि हम उसको निकालेंगे नहीं तो वहां पर नया न्यूक्लियोटाइड लगाना भी नहीं पड़ेगा। इस वजह से इस तरह की रिपेयर में हमें डीएनए पॉलीमरेज और इंडोन्यूक्लिएज जैसे एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर जो न्यूक्लिएजेस हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें डीएनए की बैकबोन को कट करना पड़े, देन हमें वहां से न्यूक्लियोटाइड को निकालना पड़े और फिर देन डीएनए पॉलीमरेज आकर के उस गैप को फिल करें। ऐसे किसी भी प्रोसेस को रन नहीं करना पड़ता है डायरेक्ट रिपेयर में। इसी वजह से हम लोग इसे डायरेक्ट रिपेयर कहते हैं। और मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप सिंपली पहले ये समझ लें डायरेक्ट रिपेयर में एक्चुअल में होना क्या है। तो जैसे ये नाइट्रोजनस बेस था उसमें एक यक्स एक केमिकल का जो है ग्रुप आकर के इसके साथ लिंक हो गया, जुड़ गया, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल हो गया। ये नाइट्रोजनस बेस एबनॉर्मल है और ये न्यूक्लियोटाइड उसकी वजह से एबनॉर्मल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस यक्स को ही केवल हम निकाल के बाहर करें। यदि हमने यक्स को बाहर निकाल दिया तो यक्स के निकलते ही दोबारा ये नॉर्मल हो जाएगा। जबकि बेस एक्सेशन, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर या फिर मिसमैच रिपेयर सिस्टम में जो एबनॉर्मलिटी डीएनए में आती है, हमेशा
उसको निकाला जाता है, डीएनए स्ट्रैंड को कट किया जाता है, देन न्यूक्लियोटाइड्स को निकाला जाता है, साथ में नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स भी रिमूव हो जाते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट रिपेयर का। चलिए, सेवरल टाइप्स ऑफ डैमेज रीजन ऑफ डीएनए आर रिपेयर्ड विदाउट, रिपेयर किया जाता है विदाउट रिमूवल ऑफ ए बेस और न्यूक्लियोटाइड्स। बेस या न्यूक्लियोटाइड्स को रिपेयर करते हैं बिना रिमूव किए, ठीक है। दस डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम डज नॉट रिप्लेस अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड्स एंड डज नॉट रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम्स। इन एंजाइम्स की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, तो आप ये सिंपली समझ लें पहली लाइन में ही, सेवरल टाइप्स ऑफ डैमेज रीजन ऑफ डीएनए आर रिपेयर्ड विदाउट रिमूवल ऑफ ए बेस और न्यूक्लियोटाइड्स। बेस या न्यूक्लियोटाइड्स के बिना रिमूव किए ही हम इस तरह के या जो रिपेयर हम कर सकते हैं उनको हम डायरेक्ट रिपेयर कहते हैं, ठीक है। दस डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम डज नॉट रिप्लेस अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड्स एंड डज नॉट रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ, उन सभी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जो बैकबोन को कट करते हैं, देन कट करने के बाद जो डैमेज रीजन है उसे रिप्लेस करने से जो गैप क्रिएट होगा उसे फिल करने वाले एंजाइम अर्थात डीएनए पॉलीमरेज और देन फाइनल जो डीएनए स्ट्रैंड है उनको रीसील करने के लिए लाइगेज जैसे एंजाइम की जरूरत नहीं है। हम इस तरह के रिपेयर प्रोसेसेस को डायरेक्ट रिपेयर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, फेमस एग्जाम्पल हैं जो डायरेक्ट रिपेयर के हैं, जिसकी जिनको पढ़ करके हम डायरेक्ट रिपेयर प्रोसेस के जो फंडामेंटल और भी रिलेशन हैं उनको हम समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहां पर दो बेसिक उदाहरण पढ़ाने वाला हूं डायरेक्ट रिपेयर में। देयर आर टू मोस्ट वेल अंडरस्टूड डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म, दो बहुत ही बेहतर और नोन डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म है, उसमें से एक है फोटो रीएक्टिवेशन, बहुत ही फेमस है फोटो रीएक्टिवेशन, एंड सेकेंड इज रिपेयर ऑफ O6 मेथाइल ग्वानिन। मैं यहां पर डायरेक्ट रिपेयर में आपको दो उदाहरण पढ़ाने वाला हूं, एक उदाहरण है जिसको हम लोग फोटो रीएक्टिवेशन कहते हैं और जो सेकेंड है वो है O6 मिथाइल ग्वानिन, O6 मिथाइल ग्वानिन का रिपेयर कि कैसे O6 मिथाइल ग्वानिन को रिपेयर किया जाता है, और ये दोनों रिपेयर जो प्रोसेसेस हैं ये डायरेक्ट रिपेयर प्रोसेस हैं, ठीक है। फोटो रिएक्टिवेशन क्या है, फोटो जो टर्म है वो लाइट को शो करता है, फोटो मतलब लाइट, सनलाइट, सनलाइट के रिस्पांस में एक्टिवेशन होता है, ये बहुत ही फेमस है। जो फोटो रिएक्टिवेशन है उसको मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं, आल्सो कॉल्ड लाइट रिपेयर, इसको हम लोग लाइट रिपेयर भी कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, फोटो रिएक्टिवेशन में किस तरह के डैमेजेस को रिपेयर करते हैं, तो हम लोग इसमें रिपेयर कर सकते हैं यूवी इंड्यूस्ड पाइरिमिडीन डाइमर्स। मैंने जो रेडिएशन था पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया किस तरीके से रेडिएशन डीएनए में डैमेजेस कॉज करते हैं, ठीक है, और उसमें यूवी लाइट से इंड्यूस्ड होने वाले जो डैमेजेस हैं उनके बारे में बताया, और एक्स रेज और गामा रेज के बारे में बताया कैसे वो डैमेजेस को इंड्यूस करते हैं, तो दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यूवी लाइट इंड्यूस करता है फ्यूजन ऑफ पायरिमिडीन्स, तो उसी को हम लोग पायरिमिडीन डाइमर्स कहते हैं, और यहां पर जो फेमस एंजाइम है वो डीएनए फोटोलाइज है। कुछ मैंने फैक्ट यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं, हम लोग इसे लाइट रिपेयर भी कहते हैं, और ये स्पेशली पायरिमिडीन डाइमर्स को रिपेयर करता है, और जो फेमस एंजाइम है इसका, ठीक है, जो कह सकते हो इसका जो एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है रिपेयर के लिए उसे हम डीएनए फोटोलाइज कहते हैं। दूसरी तरफ रिपेयर ऑफ O6 मिथाइल ग्वानिन, पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो ग्वानिन है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स ग्वानिन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं एल्काइलेशन के द्वारा, इसकी 6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस वजह से जो ग्वानिन है वो कन्वर्ट हो गया है
ओ सिक्स मिथाइल ग्वानीन में। जब ओ सिक्स मिथाइल ग्वानीन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एबनॉर्मल पेयरिंग करता है, ये साइटोसिन के साथ पेयरिंग नहीं करता, इस वजह से ये म्यूटाजेनिक हो जाता है। ठीक है, तो रिपेयर ऑफ मॉडिफाइड बेस ओ सिक्स मिथाइल ग्वानीन, जो एंजाइम है आप समझ सकते हैं उन्हें हम डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज कहते हैं, जो इस तरह से जो मिथाइलेटेड बेसिस होते हैं, नॉर्मली मिथाइलेटेड बेसिस हैं, उनको रिपेयर करने वाले एंजाइम डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज होते हैं। क्योंकि यहां पर हम लोग ओ सिक्स मिथाइल ग्वानीन का जो है रिपेयर पढ़ रहे हैं, तो एंजाइम के आगे हम लोग ओ सिक्स मिथाइल ग्वानीन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज कंप्लीटली इस एंजाइम को नाम देंगे, अर्थात हम ओ सिक्स मिथाइल ग्वानीन पहले और लिखेंगे, जिससे ये स्पेसिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए कि जो डीएनए ट्रांसफरेज है वो ओ सिक्स मिथाइल ग्वानीन को रिपेयर कर रहा है। तो यहां पर जो मैंने दो केस लिए हैं डायरेक्ट रिपेयर में, आप उनको एक बार फिर समझ लें, एक तो फोटो रिएक्टिवेशन डायरेक्ट रिपेयर में, एंड सेकेंड इज रिपेयर ऑफ ओ सिक्स मिथाइल ग्वानीन। इन दोनों केसेस को हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। फोटो रिएक्टिवेशन को हम लोग लाइट रिपेयर भी कहते हैं, और स्पेशली पायरिमिडीन डाइमर्स को रिपेयर करते हैं, पायरिमिडीन डाइमर्स को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और एंजाइम डीएनए फोटोलाइज है। चलिए हम लोग फोटो रिएक्टिवेशन को डिस्कस करते हैं कि फोटो रिएक्टिवेशन क्या है, तो आप इसे समझ लें। फोटो रिएक्टिवेशन में सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जब हमारी सेल्स या हम सभी लोग, सभी ऑर्गेनिज्म जब लाइट से एक्सपोज होते हैं, स्पेशली यूवी लाइट से, और यूवी लाइट का इफेक्ट हमारे डीएनए पर क्या है, पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि यूवी लाइट इंड्यूस फ्यूजन ऑफ पायरिमिडीन रिंग्स, साइक्लोब्यूटेन डाइमर्स के फॉर्मेशन, जिन्हें हम थायमिन डाइमर्स भी कहते हैं, तो थायमिन डाइमर्स के फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है, बहुत सारे थायमिन डाइमर्स बनते हैं। और जो दूसरा फोटो प्रोडक्ट होता है 6-4 फोटो प्रोडक्ट, जिसमें थायमिन साइटोसिन का भी फ्यूजन हो जाता है, तो इस तरीके से पायरिमिडीन पायरिमिडीन के फ्यूजन को ट्रिगर करती है यूवी लाइट, जो म्यूटाजेनिक है। एक ही स्ट्रैंड में दो थायमिन जो रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है और ये यहां पर एक थायमिन है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन, इसका थायमिन उसी स्ट्रैंड में दूसरा है, और इनके कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन है, कुछ इस तरीके से। यूवी लाइट के इफेक्ट में होता क्या है, यूवी लाइट जब हमारे डीएनए से इंटरेक्ट करता है तो ये एक ही स्ट्रैंड में पाए जाने वाले थायमिन्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को ट्रिगर कर देता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। जब एक ही स्ट्रैंड में दो थायमिन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो हम उन प्रोडक्ट को थायमिन डाइमर्स कहते हैं। जैसे एक ये थायमिन है, और दूसरा थायमिन ये है, और इनके बीच में फिफ्थ पोजीशन से, इनके बीच में 5 और 5, 6 और 6 पोजीशन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसी वजह से हम लोग इस पायरिमिडीन डाइमर स्ट्रक्चर को साइक्लोब्यूटेन डाइमर भी कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन डाइमर। तो इस तरीके से लाइट के रिस्पांस में, स्पेशली यूवी लाइट के रिस्पांस में पायरिमिडीन डाइमर्स बन जाते हैं। तो जब भी हमारा डीएनए या लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट से एक्सपोज होते हैं तो लाइट का जो यूवी कंपोनेंट है, यूवी पोर्शन है, वो हमारे डीएनए में पायरिमिडीन डाइमर्स फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, और ये म्यूटाजेनिक होते ही हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो मैमल्स में, स्पेशली जो हायर एनिमल्स हैं, उनमें पायरिमिडीन डाइमर्स को रिपेयर करने के लिए न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर ही ऑप्शन है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर ही रिपेयर कर सकता है पायरिमिडीन डाइमर्स को। लेकिन जो नॉन प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो,
उनके पास एक स्पेशल एंजाइम है जिसे हम डीएनए फोटोलाइज कहते हैं। ये एंजाइम सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इन पायरिमिडीन डाइमर्स में पायरिमिडीन डाइमर्स को ब्रेक कर सकता है। इनके बीच में जो ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया है 5:5 और 6:6 जो बॉन्ड बन गया है, इस बॉन्ड को वो ब्रेक कर देगा जिससे ये डैमेज डायरेक्टली रिवर्स हो जाएगा विदाउट रिमूवल ऑफ एनी बेस या न्यूक्लियोटाइड। किसी बेस या न्यूक्लियोटाइड के निकाले बिना ही हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। जब हम इस तरह की रिपेयर प्रोसेस को पढ़ते हैं या ये कहें इसी रिपेयर प्रोसेस को हम लोग फोटो रिएक्टिवेशन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स एंड सम यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में अदर देन प्लेसेंटल मैमल्स प्रोसेसेस एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए फोटोलाइज, एक एंजाइम है जिसे डीएनए फोटोलाइज कहते हैं, दैट यूज एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम लाइट। ये यूज करता है एनर्जी जो कैप्चर की गई है सनलाइट से, और जो लाइट कैप्चर की गई है स्पेशली वो यूवी लाइट है, नियर यूवी लाइट जो फोटॉन्स है उनको उसने कैप्चर किया, टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट लिंक द पायरिमिडीन्स इन ए डाइमर। तो आप बेसिकली समझ लें डीएनए फोटोलाइज एंजाइम है जो सनलाइट स्पेशली यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स पायरिमिडीन डाइमर में बने हुए हैं उन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है जिससे हम उस डैमेज को रिवर्स कर सकें। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये आता है डीएनए फोटोलाइज के बारे में है। डीएनए फोटोलाइज एंजाइम की बात करें तो डीएनए फोटोलाइज एंजाइम लाइट को कैप्चर कर लेता है करता है। यदि लाइट को कैप्चर कर रहा है तो उसके पास लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होंगे। तो आपको ध्यान रखना है डीएनए फोटोलाइज एंजाइम है ये, इसके पास दो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट हैं, इसमें एक एमटीएच पॉलीग्लूटामेट है एंड सेकेंड इज एफएडी। हम लोग डीएनए फोटोलाइज को करेक्टराइज कर रहे हैं। डीएनए फोटोलाइज एंजाइम सनलाइट को कैप्चर करके पायरिमिडीन डाइमर्स को ब्रेक करता है, ये रिपेयर एंजाइम है। नॉन प्लेसेंटल ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। इस एंजाइम के पास दो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट हैं जिन्हें हम एंटीना पिगमेंट या क्रोमोफोर भी कहते हैं। यदि जिस तरह से फोटोसिंथेसिस में लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है कैरेटिनॉइड्स और क्लोरोफिल्स, उसी तरह से हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो इसका एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है एमटीएचएफ मेथेनाइल टेट्राहाइड्रोफोलाइल पॉलीग्लूटामेट, मेथेनाइल टेट्राहाइड्रोफोलाइल पॉलीग्लूटामेट जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, और जो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो 300-500 nm की लाइट है। ठीक है, और आप इसको एब्जॉर्ब ब्लू लाइट कह सकते हो या फिर यूवी लाइट कह सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग तरह से स्पेशली यूवी लाइट जिसका रेंज 300-500 है, या ब्लू लाइट भी कह सकते हैं उसके कलर के बेस पर। तो सबसे पहले फोटोलाइज में क्या है कि ये इसका पहला पिगमेंट है एमटीएचएफ जिसको मैंने कहा मेथेनाइल टेट्राहाइड्रोफोलाइल पॉलीग्लूटामेट, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, इसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया और उस एनर्जी को ट्रांसफर किया जो सेकेंड पिगमेंट है एफएडी। आप जानते हैं राइबोफ्लेविन का एक्टिवेटेड फॉर्म है, एफएडी पर इसने ट्रांसफर किया और एफएडी ने जो एनर्जी थी उसको ट्रांसफर किया जो पायरिमिडीन डाइमर है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए फोटोलाइज की, तो डीएनए फोटोलाइज को आपको ध्यान रखना है इस एंजाइम के पास अपने दो कोफैक्टर हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ के पास एफएडी मिलता है। तो चलिए हम लोग पीछे वाले पॉइंट पर आते हैं। डीएनए फोटोलाइज जनरली कंटेन टू कोफैक्टर्स दैट सर्व एज लाइट एब्जॉर्बिंग एजेंट और क्रोमोफोर, जिनको हम क्रोमोफोर कहते हैं। वन ऑफ द क्रोमोफोर इज ऑलवेज एफएडीएच, जो एक क्रोमोफोर है वो हमेशा एफएडीएच होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनमें डीएनए फोटोलाइज पाया जाता है उन सभी में एक क्रोमोफोर तो एफएडी होता है। ठीक है, इन ई कोलाई एंड ईस्ट, यदि हम बैक्टीरिया और ईस्ट में बात करें तो अदर क्रोमोफोर इज फोलेट। ठीक है, टेट्राहाइड्रो मेथेनाइल टेट्राहाइड्रोफोलाइल पॉलीग्लूटामेट जिसे हम लोग एमटीएचएफ कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक जो पिगमेंट है वो एफएडी होता है एक क्रोमोफोर,
और ईस्ट में और ई कोलाई में जो दूसरा है उसे हम एमटीएचएफ पॉलीग्लूटामेट कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रिएक्टिवेशन, जब फोटो रिएक्टिवेशन के प्रोसेस की बात करेंगे, एमटीएचएफ पॉलीग्लूटामेट ऑफ फोटोलाइज एब्जॉर्ब ब्लू लाइट फोटॉन्स एंड देन एक्साइटेड एनर्जी ट्रांसफर टू एफएडीएच। आपको ध्यान रखना है, एमटीएचएफ ने ब्लू लाइट फोटॉन एब्जॉर्ब किया और देन जो एनर्जी थी उसको ट्रांसफर किया एफएडीएच पर, एंड एक्साइटेड फ्लेविन अर्थात एफएडीएच डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द पाइरिमिडीन डाइमर टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट लिंक्स द पाइरिमिडीन डाइमर, जिनको हम लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यूवी लाइट रिस्पॉन्स में बनते हैं पाइरिमिडीन डाइमर्स। ओवरऑल आप समझ लीजिए क्या हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, यूवी लाइट के रिस्पॉन्स में बनते हैं पाइरिमिडीन डाइमर या थायमिन डाइमर कह सकते हैं, जिसे स्पेशली हम लोग साइक्लोब्यूटेन डाइमर कहते हैं। ये हाईली म्यूटाजेनिक है। जो पाइरिमिडीन डाइमर्स होते हैं ये डीएनए पॉलीमरेज के या आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं, जिससे रेप्लिकेशन और नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेसेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब ये साइक्लोब्यूटेन डाइमर्स हैं, पाइरिमिडीन डाइमर्स हैं। जो नॉन प्लेसेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एक एंजाइम है जिसे हम डीएनए फोटोलाइज कहते हैं। डीएनए फोटोलाइज एंजाइम डायरेक्टली पाइरिमिडीन डाइमर्स को ब्रेक कर सकता है और जो डैमेज हुआ है डीएनए में उसे रिकवर कर लेगा बिना किसी न्यूक्लियोटाइड को निकाले। हम इसी वजह से इसे डायरेक्ट रिपेयर कह रहे हैं। डीएनए फोटोलाइज एंजाइम के पास यदि हम ई कोलाई और ईस्ट की बात करें, ई कोलाई और ईस्ट में देखें, सभी डीएनए फोटोलाइज के पास एफएडी तो प्रेजेंट ही होता है एज ए क्रोमोफोर। ई कोलाई और ईस्ट में जो दूसरा क्रोमोफोर है वो है एमटीएचएफ पॉलीग्लूटामेट। ये क्रोमोफोर लाइट एब्जॉर्ब करता है, स्पेशली यूवी लाइट, जिस लाइट ने पाइरिमिडीन डाइमर्स फॉर्मेशन को ट्रिगर किया उसी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब किया है एमटीएचएफ ने और उस एनर्जी को ट्रांसफर किया या फिर डीएच पर, जो एक्साइटेड एनर्जी थी उसको ट्रांसफर कर दिया या फिर डीएच पर अर्थात डोनेट कर दिया। ठीक है, तो एमटीएचएफ पॉलीग्लूटामेट एब्जॉर्ब ब्लू लाइट फोटोन, एक्साइटेड फ्लेविन, ठीक है, और जो एनर्जी है वो या फिर डीएच पर ट्रांसफर कर दिया। अब एक्साइटेड फ्लेविन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है साइक्लोब्यूटेन डाइमर को। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ये नॉर्मली थायमीन रिकवर हो जाएंगे। इन थायमीन के बीच में जो बॉन्डिंग हुई थी वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और रिकवर हो जाएगा। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ये यहां पर सुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होगी तो बैकबोन को भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस वजह से ना हमें कोई इंडो न्यूक्लियेट चाहिए, ना ही हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और ना ही लाइगेज चाहिए। तो बिना किसी न्यूक्लियोटाइड को निकाले डायरेक्ट जो कोवेलेंट बॉन्ड थे उनको ब्रेक कर लिया। हम इस रिपेयर को फोटो रीएक्टिवेशन कहते हैं। फाइनली कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। पहला तो फोटो रीएक्टिवेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने, मैं यहां पर फाइनली बोल रहा हूं। फोटो रिएक्टिवेशन में ये नॉन प्लेसेंटल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें पाया जाता है, जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है, ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स या हायर एनिमल्स जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है उनमें हम लोग डायरेक्टली पाइरिमिडीन डाइमर्स को रिपेयर नहीं कर सकते हैं लाइट एब्जॉर्ब करके, क्योंकि हम लोगों में डीएनए फोटोलाइज एंजाइम एक्सप्रेस नहीं होता है। तो आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि एंजाइम कौन है जो फोटो रिएक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एंजाइम का नाम है डीएनए फोटोलाइज, फोटोलाइज
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डीएनए फोटोलाइज के पास कौन से ऐसे पिगमेंट हैं, क्रोमोफोर हैं, जिसकी वजह से वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है, दो क्रोमोफोर होते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं, उनमें से एक हमेशा एफएडी होता है, और दूसरा यदि हम ईस्ट और ई कोलाई की बात करें तो एमटीएचएफ, मेथेनाइल टेट्राहाइड्रोफोलाइल पॉलीग्लूटामेट, ये दूसरा ग्रुप है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है। यहां पर जो हम लोगों ने केस लिया ई कोलाई और ईस्ट में, उसमें आपको ध्यान रखना है जो लाइट है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है एमटीएचएफ, देन ट्रांसफर करता है एफएडीएच पर, और एफएडीएच इस एक्साइटेड एनर्जी को ट्रांसफर करता है साइक्लोब्यूटेन डाइमर या पायरिमिडीन डाइमर को। तो दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ये, किस तरह के डैमेजेस को रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पायरिमिडीन डाइमर्स को, पायरिमिडीन डाइमर्स को रिपेयर कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आपको इस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिपेयर है, क्या डीएनए पॉलीमरेज, इंडोन्यूक्लिएज या डीएनए लाइगेज जैसे एंजाइम्स की जरूरत है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर किसी तरह के एंजाइम्स की कोई जरूरत नहीं है। तो लाइट के प्रभाव में पायरिमिडीन डाइमर्स बने थे, उसी तरह से उसी लाइट को, उसी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करके, स्पेशली यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके इन डीएनए डैमेजेस को क्या किया, रिपेयर कर लिया गया। हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं डायरेक्ट रिपेयर। चलिए आगे मैं दूसरा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, रिपेयर ऑफ O6 मिथाइल ग्वानीन। आप जानते हैं ग्वानीन एक नॉर्मल बेस है, और एल्काइलेटिंग एजेंट्स, मैं इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ग्वानीन की 6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं, जिससे O6 मिथाइल ग्वानीन, ये एक एबनॉर्मल बेस क्रिएट हो जाता है। जो ग्वानीन की 6 पोजीशन है, उस 6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, ये यहां पर जो ऑक्सीजन था, कीटोन ग्रुप था, उस कीटोन ग्रुप की जगह पर क्या किया गया, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसको नाम देते हैं O6 मिथाइल ग्वानीन। ये एक हाईली म्यूटाजेनिक बेस है जो नॉर्मली साइटोसिन के साथ पेयरिंग नहीं करता है, इस वजह से इसको रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि इसको रिपेयर ना किया गया तो ये साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता नहीं है, स्पेशली एडनिन के साथ पेयरिंग करने लगता है, इस वजह से एक जीसी पेयर फ्यूचर में बदल जाएगा एटी पेयर में। तो ये भी हाईली म्यूटाजेनिक है, इसे भी रिपेयर करना है। अब कैसे रिपेयर किया जाए, तो इसको भी डायरेक्टली रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि सेल के पास एंजाइम्स हैं, और वो एंजाइम्स आप ये समझ ले, जनरली उनको हम डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज कहते हैं, और कई अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं जो अलग अलग तरह के एल्काइलेटिंग बेसिस को रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर हम लोग उदाहरण रख रहे हैं O6 मिथाइल ग्वानीन का, तो स्पेशली O6 मिथाइल ग्वानीन डीएनए ट्रांसफरेज एंजाइम लगभग सभी सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम इन या कहें कि सेल्स इस एंजाइम को एक्सप्रेस करती हैं, जो O6 मिथाइल ग्वानीन जैसे मॉडिफाइड बेसिस को रिपेयर कर सकते हैं। द एंजाइम O6 मिथाइल ग्वानीन डीएनए ट्रांसफरेज रिमूव्स द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द O6 मिथाइल ग्वानीन, रिस्टोरिंग द बेस टू ग्वानीन, अर्थात O6 मिथाइल ग्वानीन से मिथाइल ग्रुप को निकाल दिया, और निकालने के बाद जैसे ये निकल जाएगा तो यहां पर ग्वानीन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप की वजह से ये मॉडिफाई हुआ था, तो कन्वर्ट कर लेगा ग्वानीन में नॉर्मल बेस में। द डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम ई कोलाई टू ह्यूमंस, अर्थात तो सभी लिविंग सेल्स में ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है O6 मिथाइल ग्वानीन ये मॉडिफाइड बेस है, इसको डायरेक्ट रिपेयर करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम भी इस पर बेस्ड है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप को हटाना है तो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होगा,
साथ में डीएनए से हटा रहा है तो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, तो पूरा नाम हो गया O6 मिथाइल ग्वानिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। जो मिथाइल ग्वानिन है उसकी 6 पोजीशन से मिथाइल ग्रुप को हटाता है और क्रिएट करता है ग्वानिन, और ये एंजाइम सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। अब अगला करेक्टर क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम O6 मिथाइल ग्वानिन की बात करते हैं तो इस एंजाइम के पास, ये एंजाइम जब फंक्शन करता है तो इसकी एक्टिव साइट पर एक सिस्टीन रेसिड्यू है, उस सिस्टीन रेसिड्यू, ठीक है, सल्फाइड्रल ग्रुप, उसकी सिस्टीन रेसिड्यू की जो आर चेन में SH ग्रुप है, ये एंजाइम अपने इसी SH ग्रुप पर जो 6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसको एक्वायर कर लेता है। यहीं पर ये CH3 ग्रुप आकर के बाइंड हो जाता है और ये जो बाइंडिंग है वो कोवेलेंट है और परमानेंट हो जाती है, और जब परमानेंट हो जाएगी तो ये एंजाइम दोबारा फंक्शन नहीं कर पाएगा। उस पॉइंट को लेकर के हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। ए सल्फाइड्रिल अर्थात SH ग्रुप ऑफ सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज एक्सेप्ट द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम ग्वानिन, जो मॉडिफाइड ग्वानिन है उससे मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करता है। दिस रिएक्शन इज सुसाइडल, आपको ध्यान रखना है जब हम लोग एंजाइम में पढ़ते हैं तो दो तरह के इनहिबिटर्स पढ़ते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इररिवर्सिबल। यहां इररिवर्सिबल का केस है, दिस रिएक्शन इज सुसाइडल फॉर मिथाइल ट्रांसफरेज बिकॉज द मिथाइलेशन ऑफ सिस्टीन इज इररिवर्सिबल एंड इनएक्टिवेट द एंजाइम। जब भी एंजाइम मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा तो ये रिएक्शन इररिवर्सिबल है। एक बार यदि एंजाइम ने मिथाइल ग्रुप एक्सेप्ट कर लिया तो ये मिथाइल ग्रुप डिसोसिएट नहीं होता है फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिव साइट से डिसोसिएट नहीं होता है। तो जब ये डिसोसिएट नहीं होगा तो एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएगा। जबकि हम लोग एंजाइम के डेफिनेशन में कहते हैं एंजाइम्स ओनली एक्सेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज या विदाउट इटसेल्फ कंज्यूमिंग इन बायोकेमिकल रिएक्शन, वो खुद कंज्यूम नहीं होते बायोकेमिकल रिएक्शन में। लेकिन यहां पर आपको बायोलॉजी में एक ऐसा एक्सेप्शन मिल रहा है जहां पर एंजाइम खुद कंज्यूम हो जा रहा है, तो ये एक स्ट्रिक्ट एंजाइम नहीं हुआ। ये एंजाइम तो है लेकिन ये एंजाइम के डेफिनेशन में बहुत फिट नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर ये कंज्यूम हो रहा है, इस वजह से बड़ा यूनिक तरह का एक केस है। दस मिथाइल ट्रांसफरेज आर नॉट स्ट्रिक्टली एन एंजाइम बिकॉज ए सिंगल मिथाइल ट्रांसफरेज ट्रांसफर इवेंट परमानेंटली इनएक्टिवेट द प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है जब एक बार उसने मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया। यहां पर देखिए इस पूरे प्रोसेस को, ये एक मिथाइल ग्रुप है जो ग्वानिन के साथ जुड़ा हुआ है 6 पोजीशन पर, तो ये 6 O6 मिथाइल ग्वानिन है, ग्वानिन की 6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसको रिपेयर ना किया गया तो अगले राउंड में डीएनए रेप्लिकेशन में जाएगा, तो ये साइटोसिन ये वाला डीएनए तो नॉर्मली पेयरिंग कर लेगा ग्वानिन के साथ, लेकिन जो ऊपर मिथाइल ग्वानिन है ये साइटोसिन के साथ पेयरिंग नहीं करेगा, जिससे आगे जाकर के ये जो बेस पेयर है वो चेंज होगा। अब इसको रिपेयर करने के लिए जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है O6 मिथाइल ग्वानिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर एक सिस्टीन रेसिड्यू है, इंपॉर्टेंट सिस्टीन रेसिड्यू है, जो अपनी आर चेन पर एक्सेप्ट करेगा इस मिथाइल ग्रुप को। तो जब ये एंजाइम इन्वॉल्व हुआ तो इसने ग्वानिन पर प्रेजेंट मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए यहां पर ये शो किया गया है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये CH3 ग्रुप है। सिस्टीन रेसिड्यू पर इस ग्रुप को एक्सेप्ट किया गया, और एक बार यदि सिस्टीन रेसिड्यू पर आकर के ये मिथाइल ग्रुप बाइंड हो गया तो अब ये डिसोसिएट नहीं होगा। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यदि डिसोसिएट नहीं होगा तो ये एंजाइम दोबारा अपने रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इस वजह से हम कहेंगे ये परमानेंट इनएक्टिवेशन में चला गया है। तो ये केस जो रिपेयर है O6 मिथाइल ग्वानिन का, जो रिपेयर है
वो इस नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो रिपेयरिंग एंजाइम है वो एक सिंगल रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया और मिथाइल ग्रुप को इसने एक्वायर कर लिया अपने सिस्टीन रेसिड्यू पर, तो फिर ये दोबारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्योंकि ये परमानेंट इनएक्टिवेशन में चला गया। इस वजह से ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आज आपको दो केसेस बताए हुए हैं रिपेयर में, एक तो फोटो रिएक्टिवेशन और दूसरा रिपेयर ऑफ O6 मिथाइल ग्वानीन का। आपको ध्यान रखना है इसको सभी ऑर्गेनिज्म में इसको रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, और कौन से एंजाइम के द्वारा, तो O6 मिथाइल ग्वानीन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, और इस एंजाइम की सहायता से हेल्प से O6 मिथाइल ग्वानीन को रिपेयर किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो एंजाइम है आपको ये ध्यान रखना है, ये केवल सिंगल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, देन इसके बाद ये परमानेंट इनएक्टिवेशन में चला जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उनकी एक्टिव साइट पर कौन सा अमाइनो एसिड है जो मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, तो आपको ध्यान रखना है वो सिस्टीन अमाइनो एसिड है। इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट केस है डायरेक्ट रिपेयर के। तो डायरेक्ट रिपेयर में आपको फोटो रिएक्टिवेशन ध्यान रखना है और दूसरा O6 मिथाइल ग्वानीन। दोनों केस में हमें यह देखने को मिला कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं हुआ। जब न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होगा, जब भी न्यूक्लियोटाइड रिमूव करना होता है तो डीएनए पर कट लगाना पड़ता है उसकी बैकबोन पर, अर्थात डायरेक्ट रिपेयर में हम लोगों को इंडो न्यूक्लियस की कोई जरूरत नहीं होगी। इंडो न्यूक्लियस की कोई जरूरत नहीं है। जब न्यूक्लियोटाइड को रिमूव नहीं करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज की भी जरूरत नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज की भी कोई जरूरत नहीं है। और जब हमने इंडोन्यूक्लियस से डीएनए की बैकबोन को कट किया तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के एंजाइम हमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं डायरेक्ट रिपेयर में, जिनको हम लोग स्पेशली बेस एक्सेशन, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन या फिर मिसमैच रिपेयर सिस्टम में पढ़ते हैं। इस तरह के एंजाइम्स की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये दो केसेस थे डायरेक्ट रिपेयर के।